चेतन, ये ओंकार में ही अपना रूप है। ओंकार में दिव्य चैतन्य रूप, दिव्य चेतन शक्ति, आत्मा दिव्य चेतन शक्ति, ये ओंकार में दिव्य चेतन शक्ति अपना यथार्थ आत्म स्वभाव है। यथार्थ आत्म स्वभाव, अपने ज्ञान का चरितार्थ है। चरितार्थ अर्थात ज्ञान इस ज्ञान स्वभाव में चरण करता हुआ, ओंकार रिंद पद में ही रमता हुआ, अपने ज्ञायक कमल भाव में स्थिर रह सकता है। ज्ञायक कमल भाव की स्थिरता, ज्ञायक कमल भाव का रोमांच मात्र अपने ज्ञान भाव से है आत्मा। जो जो ज्ञान भाव अच्छे से लो आत्मा, एकाग्र चित्त होके चलो अंतर में, चेतन शक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर लो। ज्ञान ज्योति जला ले चेतन, संसार तो असार है, आत्मज्ञान ज्योति जला ले। ज्यों ज्यों ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, ज्ञानमय रवि की किरणें, ज्ञानमय सूर्य ज्यों ज्यों जगमगाता है, ज्ञान रूपी सूर्य जहां जहां ज्यों ज्यों जगमगाता है, वैसे वैसे अज्ञान भाव विलायमान होते जाते हैं। ज्ञान रूपी रवि के जगमगाने से अज्ञान रूपी अंधकार धीरे 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 विलायमान होने लगता है। चेतन आत्मा, ओ भोले आत्मा।
अनादि काल से विचारों में मूर्छित होने का स्वभाव बन गया तेरा, मन के विचारों की मूर्छा स्वभाव बना लिया तूने पागलपन का। मन के विचार उत्पन्न होते हैं और अपन उसमें जा मूर्छित हो जाते हैं। मन में अज्ञान परिणाम का उदय होता है, और अपन जाके उसमें मूर्छित हो जाते हैं। ये विचार ये मूर्छा के कारण है। अनादि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। मन के विचार उत्पन्न होते हैं और अपन मूर्छित हो जाते हैं। ये विचार अपने सबसे बड़े घातक हैं। क्या करें आत्मान, इस पागलपन के विचार से परे अपने ही स्वभाव में अतींद्रिय आत्मा में रमने का भाव उत्पन्न करो चेतन। अपनी अंतर आत्म ज्योति की क्रांति को उछालो, आत्म क्रांति को छालो। अनंत चतुष्टय के वैभव को छालो आत्मा। ज्ञाय ज्ञान स्वभाव के रहस्य को पहचानो। अपनी रुचि निज वीतराग भगवान आत्मा, अपने कमल स्वभाव की ओर करो चेतन। रुचियम ममल सहावम, अपनी रुचि को अपने ममल स्वभाव के निकट लेके आओ। जाग जाओ आत्मा। यदि ये विचार आपको मूर्छित ना करें तो आपकी चेतनता को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। विचार मूर्छा का नाम है, और जब मूर्छा जन्म लेती है, जब मूर्छा का उदय होता है, तब उस क्षण जिस समय मूर्छा का जन्म होता है, मूर्छा मूर्छा जिस समय मूर्छा का जन्म होता है आत्मा, संसार सागर से परे आत्मा, संसार सागर से परे आत्म ध्यान, आत्म विचार, आत्मचिंतन से उत्पन्न होता है। अनादिकालीन ये मन आत्मचिंतन, आत्ममंथन को छोड़ के, अपनी एकाग्रता को विस्मरण करके, और मन की विचार शक्ति में एकमेक हो गया।
मन की विचार शक्ति बहा के ले गई इस जीवात्मा के उपयोग को कर्म कसाय के दलदल में। अज्ञान विषय वासनाओं के दलदल में। और जब ये जीव कर्म कसाय के दलदल में चला गया, विषय वासनाओं के दलदल में चला गया, तो अपने बोध को भूल गया और इसे बोध एहसास रह गया इन परिणामों में चलने वाले भाव कर्म के निमित्त उद्गल संयोगों का, कहीं पुत्र का, कहीं परिवार का, कहीं मकान का, कहीं दुकान का। इस अज्ञानी मूल प्राणी को बोध रह गया तो मात अचेतन वस्तु का, इस अचेतन वस्तु का बोध मात रह गया, अपनी चेतन वस्तु को भूल गया। चेतन चिदानंद में अपनी संपदा को भूल गया, अपने निधि को भूला और वो पर्याय परिणमन वो सड़ी निधि याद है। धन संपदा पुत्र ये सब याद है, संपदा प्रॉपर्टी सब याद है। सारी अज्ञानता, सारे अज्ञान भाव इनमें डूबने के लिए तैयार है। लेकिन इससे कहो कि तू आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, इन विचारों में डूबने तैयार नहीं, इन भावों में डूबने तैयार नहीं है, इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों में डूबने तैयार नहीं है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन सुन के इसे आत्मबोध प्राप्त नहीं हो रहा। आत्मबोध अंतर में देखो, अंतर आत्मा में। अंतर आत्मा में देखो आत्मा, और घेरे उतर के देखो। ये आत्मा में अनंत अनंत गुणों का पुंज है। देखो अंतर आत्मा की शक्ति को जागते हुए, देखो जागते हुए, और अपने परम शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि लगाओ आत्मा। देखो ज्ञान ही ज्ञान जिसका रूप है, अंतर आत्म शक्ति का जागरण कर लो। आत्म जागरण के निमित्त ही ये कमल स्वभाव की साधना है चेतन आत्मा। विचार मूर्छा पैदा करेंगे और आत्मज्ञान उस मूर्छा से छूटने का मार्ग बनाएगा। याद रखना चेतन आत्मा, मन के अशुद्ध विचार आपके उपयोग को मूर्छामान श्रद्धान ज्ञान को विभाव में तन्मय करके वहां ले जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान का अंकुरण अंतर की आत्मशक्ति को जगाओ। जागो रे चेतन आत्मा, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अंतर आत्मबोध, अंतर आत्मबोध। जागो 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 जागो। परिणाम ना सुलाए अपने को परिणाम। इस सब अशुभ परिणामों की जो सैया है, ये आवृत्ति श्रावक को अंतर से प्रमाद होने के कारण, ये मन के भाव रूपी विचारों में
रुकना होता है, रुकना रुक जाता है ये जीव इन अज्ञान भाव के में, अर्थात यही एकाग्रचित होके इन भावों में ही रंजायमान होता रहता है। अपनी धर्म ध्यान की अग्नि को उत्पन्न नहीं करता, हाँ, अपने अंतर बल को उजागर नहीं करता कि अहो मेरी आत्मा अनंत बलवान है, अनंत बलवान, मेरी आत्मा अनंत बलवान है, अनंत वीर का धारी है, मेरा चिदानंद चित्त स्वरूप, मेरा चिदानंद चित्त स्वरूप अनंत वीर से ज्यादा, अर्थात अनंतानंत वीर भी जा अनंतानंत ही है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो अनंत वीर भी ज्यादा अनंतानंत पुरुषार्थ को छालने वाला है। अनंतानंत वीर को छानने की शक्ति मेरे पास है। चेतनात्मा अपनी दुर्लभ निधि को मोह की निद्रा से बचा लो, आत्मा मोह की निद्रा से बचा लो अपनी इस चेतन निधि को। एक बार दृष्टि देके तो देखो कि मैं ऐसा चिद्रूप ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। अरे भोले आत्मन सुनो सुनो, तुम्हारी ये मूर्छा तुम्हें निगोद लेके जाएगी, तुम भयवान होके ये सोच रहे हो कि क्या होगा मेरा, तो याद रखो ये तुम्हें जो प्रमाद और प्रपंच रूप भाव मिथ्या परिणति ये जो तुम्हें बार बार हृदय में आती है, ये सब 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 कुछ ये तुम्हारी अस्वीकारता अश्रद्धान की धारा का परिणाम है। कोई सा भी भाव तुम्हारी मूर्छा कारण ना बने चेतन, अंतर आत्म ज्योति, अंतर आत्म ज्योति, जाग जाओ आत्मा, देखो 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 देखो, जो इन परिणामों की मूर्छा से जागेगा वो ज्ञान ज्ञान की तरह कमल की भांति खिल उठेगा। तो आप सोचते हो ना कि भैया हमारी ध्यान में एकाग्रता नहीं बनती, हम ध्यान में एकाग्रचित नहीं हो पाते, तो ध्यान में एकाग्रचित ना होने का कारण क्या है चेतन? एक तो स्वभाव की रुचि की कमी, ध्यान की रुचि की कमी पहला कारण, और दूसरा कारण ये कि परिणाम की मूर्छा में सोने वाला, मोह की निद्रा में सोने वाला अपने अंतर में आत्म ध्यान रूप अग्नि को प्रज्वलित करके मुख कमल जैसे दीपक पे प्रकाशित होता हुआ अपने अंतर ज्ञान ज्योति में प्रस्फुटित होता हुआ आप छोड़ छोड़े तो उसमें रमे तो अपने आत्मा में, विचारों का पक्ष छूटे तो आत्मा मुख कमल की ज्ञान ज्योति में दैदीप्यमान ज्योति स्वरूप प्रकाशित होता हुआ सुई समय सी अर्क 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 समय सी अर्क, चेतन आत्मा सुई समय सी अर्क, अंतर कहानी उत्पन्न हो रही है, अंतर कहानी, चेतन ओ चेतन,
अंतर ज्ञान करो, अंतर आत्मा का अंतर ज्ञान, और परिणाम के विचारों का जो संकलेश बना है ना अंतर में, उन विचारों को संकलेश पने को अपने आत्मचिंतन में लगा दो, अपने आप ही वो विचार अपने आप ही छे हो जाएंगे। और सम्यक विचार अंतर से उत्पन्न होने लगेंगे, आत्मा विभोर उठेगी और आत्म विभोर होके ये ज्ञानी अपने ही ज्ञान कमल स्वभाव पे रिक्त सी अर्क और अनंत प्रकाशवंत सुई सुई समय से अर्क के प्रकाश को देखेगी। मुख कमल की ज्योति जगमगा रही है चेतनात्मा, ज्योति 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 पिंड परमात्मा, अपने ममल स्वभाव की ज्ञान में ज्योति जगमगा रही है, लेकिन अपन ही उस ज्योति को ग्रहण करने में बहुत देर लगा रहे हैं। अपने अंतर आत्म स्वभाव की अंत रुचि है, एक एक पल एक एक क्षण याद रखना आत्मा, ये निद्रा में जाने की स्थिति आता है और कुछ नहीं है। देखना सिर्फ एक विचार उत्पन्न होता है और जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को विस्मृत कर देता है, कुछ विशेष नहीं घटता। अंतर से विचार चलना प्रारंभ होते हैं और यह जीव उन विचारों में ऐसा तन्मय हो जाता है, कि फिर उसे याद नहीं रहता कि मैं चैतन्य हूं, और जो भव्य आत्मा इस मन के विचारों से ऊपर उठ के अपनी ज्ञाया ज्ञान भाव की शक्ति को जागरण कर लेते हैं, अपनी आत्म शक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं कि अहो मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं तो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव ही हूं, मुझ में तो मेरी आत्मरमणता ही जयवंत है, मुझ में तो मेरा ज्ञान स्वभाव ही जयवंत है। जो आत्मार्थी जो ज्ञानी साधक ऐसी आत्मरमणता को प्रकट कर लेते हैं, ऐसी ज्ञान रमणता को उत्पन्न कर लेते हैं, वे अपने अर्क बिंद में चतुष्ट स्वभाव को पहचानते हैं, वे अपने विज्ञान घन स्वभाव को जानते हैं। विज्ञान घन स्वभाव आत्मा, आत्मा चिदानंदमय है। चलो अपन अपने अर्क स्वभाव की ओर चलते हैं आत्मा, चलो अपन अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर आगे बढ़ते हैं। कमल स्वभाव की आराधना इन विचारों के समूह से परे है, कमल स्वभाव की आराधना इन अज्ञान में विचारों से परे है, और ध्यान उसी का नाम है चेतनात्मा। जहां कुछ करना या सुनना शेष न रह जाए,
आत्मा चेतना का जो लक्षण है, जो चेतन का लक्षण है, वो चेतनमय ही है, चेतनमय है। जो चेतन का लक्षण है ना, वो चेतनमय है, और चेतना का लक्षण चेतनमय होने के कारण से। सुनो सुनो सुनो, यह ध्यान का पूरा क्रम चेतनन चेतन चैतन्य प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अब ये मुख कमल का उदय, ये मुख कमल की जो शुरुआत है चेतनात्मा, ये मुख कमल की जो ज्योति है, ये देखो ज्ञायक ज्योति, ये चेतन ही तो है। पूरी 6 पंखुड़ियों में विराजमान ये कमल, मुख कमल, ये जयवंत अपने प्रकाश में रत्न में तो है, अपने रत्नत्रय का अनंत वैभव तो प्रकट होकर आया है। अंतर आत्मबोध जगा ले आत्मा, अंतर आत्मबोध, तेरा प्रभु तुझमें विराज रहा है। ऐसी अचिंत महिमा है इस चेतन की, ऐसा अचिंत वैभव है इस आत्मा का, कि अहो इस आत्मा में इसका अंतर चतुष्टय, इसका परमात्म स्वभाव विराजमान है। और देखो ये ज्ञायक भाव को प्रकाशित करता हुआ ये मुख कमल, इसका मुख में, इस मुख कमल की शोभा अति शोभायमान, शोभित, सुंदर, सुशोभित हो रही है। देखो तो आत्मा कैसा आश्चर्यकारी दिव्य चैतन्य कमल, आत्मा की ज्ञान शक्ति का इस रूप में, ज्ञायक शक्ति के रूप में उपलब्ध होना ही अनंत है, अनंत का वैभव है। ज्ञान की शक्ति अंतर आत्म ज्योति को जगमगा देती है, और इस अंतर आत्मा में एक नई ऊर्जा का संसार संचार भर देती, संसार संचार अर्थात पावर, एनर्जी, रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में वो शक्ति का वर्धन कर देती है, कि अहो अहो अहो, मैं चिदानंद घन परमात्मा हूं, जो स्वयं से स्वयं में स्वयं ही उत्पन्न होता है, और स्वयं ही स्वयं से स्वयं अपनी आत्म शक्ति में रमता हुआ, अपनी चैतन्य शक्ति में रमता हुआ, अपने ही वीतराग कमल भाव पर स्थिर हो जाता है। सुनो चेतन आत्मा, इस चेतन की अनंत ज्ञान विज्ञान में अनंत गर्जना को सुनो। या देखो चेतन, बाहर में कैसा अज्ञान अंधकार होने के कारण किसी आत्मा की खेती सूख गई है, कैसा ये कमल मुरझा गया है। एक बार अपनी दृष्टि लगाओ अंतरात्मा में चेतन, ये ज्ञान की बगिया हरी भरी हो जाएगी, ज्ञायक की बगिया हरी भरी हो जाएगी। ज्ञायक भगवान आत्मा का बहुमान जागृत करो आत्मा, और देखो उस पे ये सुई समय सी अर्क का अनंत अनंत प्रकाश, अव्यवाद रूप से जगमगाता हुआ चेतन ज्योति का प्रकाश,
ज्ञान में विज्ञान में अंतर शक्ति अंतर स्वरूप अंतर आत्म त्रिकाली परमात्मा ख्यायक स्वरूप भगवान आत्मा अंतर आत्म ज्योति में जगमगाता हुआ चैतन्य सूर्य हो आत्मन। ये आत्मा ही परमात्मा है, जागो चेतन। इसी समय से यज्ञ की परम परिणति एक ही परम भाव से कह रही है, ये उवन रमण जिन पावे। आहा, अपने आत्म स्वभाव में सुई समय स्वरूप में स्वा समय स्वरूप में रमणता ही अपनी अंतर आत्मा का स्वयं अधिकार है। मेरी आत्मा अपने स्वा चतुष्टय में ही स्वयं चतुष्टय में रमती है और अपनी आत्म रमणता को प्राप्त कर स्वयं ही 14 गुण स्थानों से पार, सल और चिंताओं से पार, अनंत 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 प्रवेश ऐसी ही अचिंत स्वभाव की महिमा कही आचार्य भगवंतों ने। उनके अनंत अनंत स्वभाव का अनुमोदन करो चेतन। अरे यहां तो अनंत ऊर्जा का निवास है लेकिन अपन व्यर्थ बैठे हुए हैं। एक बार यदि अपन अपनी ज्ञान चेतना को जगमगा दे, ज्ञान की चिंगारी ये ज्ञायक कमल का जो अनंत शोर जगमगा रहा है, एक बार ये अपने से उछाल दे, सम्यक दर्शन कोई बड़ी भूल जैसी वस्तु नहीं है। अनंत काल से अनंत बार इस जीव ने अनंत काल से जीव ने अनंत अनंत काल से अंतर आत्म बोध शक्ति चेतन आओ आओ आओ, मैं स्वा समय में आत्मा हूं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सोई समय सी अर्क महाज्योति क्रांति कमल उत्पन्न जयवंत हो अर्क बिंद शक्ति। जय हो 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 जय हो। जाग जाओ प्यारे प्यारे आत्मन, आत्मशक्ति का बोध जगा लो। की यह विशल अनंत दिव्य ध्वनि अरहम स्वभाव सर्वन्य शक्ति का बोध कराती है। मैं तो ज्ञाता दृष्टि मात्र हूं, मुझे तो मेरे आत्मा ज्ञान भाव में चरण करने का काम है। ये अंतर भावना अंतरनिष्ठ भावना ये अपने गुणों को संजो कर लिखी हुई ईश्वर की अपने अंतर आत्म ज्योति की भावना है। अंतर ज्ञान ज्योति का उदय है चेतन।
अपना स्वभाव ध्रुव शुद्ध वितराग में है। ध्रुव है, शुद्ध है, वितराग वितराग विज्ञान में। जय हो जय हो जय हो। देखो चेतन, अन्य विकल्प करने का उपयोग को प्रश्न ही मत अपने दो, उसके पहले उसका समाधान कर दो। उसको तर्क ही मत उठने दो, उसके पहले उसका समाधान कर दो। वह सल है चेतन, सल 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 अपना भीतर अनंत 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 चतुष्टय में स्वभाव। अनंत अनंत स्वभाव अनंत अनंत वीर अनंत अनंत शक्ति। मैं केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सुई समय सी अर्क की जय हो जय हो जय हो। ऐसा सुई समय सी अर्क उत्पन्न स्वानुभूति में जयवंत, स्वानुभूति में, स्व आत्म अनुभूति में, आत्मज्ञान के प्रकाश की मणियों की तरह प्रकाशित, आत्मज्ञान फट पड़े, केवल ज्ञान फट पड़े। ओ ये प्रकाश, ये मणियां, ये धन, ये संपदा सब यहीं छूट जाए चेतन, सब यहीं छूट जाए। अंतर आत्म ज्योति का बोध कितना जगाता है चेतन। अपने अंतर आत्म स्वभाव को अंतर आत्म ज्ञान की मस्ती में मस्त रहो। अंतर ध्यान की शक्ति, अंतर ध्यान सही समय सी स्वयं में ये विश्वास को प्रतीति में लाता है कि अहो मेरे ध्रुव में रमण करने के लिए मेरा अर्क मेरे कमल भाव पे है। मुझे अपने ध्रुव में जाने के लिए, स्वयं का प्रकाश करने के लिए, स्वयं की रुचि के अलावा कुछ नहीं चाहिए। स्व आत्म दृष्टि के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। चिंतन की प्रवृत्ति को अपना के चेतन की स्मृति में रत होने का पुरुषार्थ करो आत्मा। और नहीं तो ये सब पढ़ा लिखा, ये सब मिथ्यात् के सहित रहेगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय और चिंतन का बोझ जगाओ। अंतर आत्म ज्ञान ज्योति को जगमगा। अनंत काल से अनंत हुआ अनंत काल हो गए चेतन, मन के साथ मूर्छन। अनंत काल बाद आज आत्म जागरण का मौका मिला है, अवसर। चेत जाओ आत्मा, एकाग्रता को धारण करो, एकाग्र चित्त हो जाओ।
पूर्ण रूपेण एकाग्र हो जाओ और देखो ये ममल स्वभाव तुम्हारा अंतर आत्म स्वरूप तुम्हारी अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। ओंकार में तत्व का वेदन हो रहा है चेतन, ओंकार में शक्ति स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो रहा है। सुई वंशी अर्क स्वयं में अपने कंठ कमल पे विराजमान था, जो अपने ही परमात्म स्वभाव को उदित करके स्वयं में प्रकाशित कर रहा था। सुई रंजसी अर्क कंठ कमल पे विराजमान था, जो अपने अंतर आत्म स्वभाव में अपनी परिणति में अपने ध्रुव को रंजायमान कर रहा था। लेकिन ये सुई समय सी अर्क मुख कमल पे विराजमान है, जो अपने ही स्वयं के समय में आचरण करने रूप अपनी ध्रुव परिणति को व्यक्त कर रहा है, व्यक्त कर रहा है चेतन अपने विज्ञान घन परिणति को व्यक्त कर रहा है। आप क्षेत्रीय भगवान कहां किसी और की सुन रहे हैं, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाइए। अंतर चतुष्टय में स्वरूप आत्मा ही परमात्मा है। जागो आत्मा, सुई समय सी अर्क की महाज्योति शक्ति अंतर ध्यान मुद्रा में बैठे हो, एक ही तत्व गाओ, ज्ञायक 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 ज्ञायक, अंतर आत्म ज्योति को प्रकाशमान करके देखो, मेरे अनंत ज्ञाता स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है चेतनात्मा, कुछ भी नहीं है कमल, कमल स्वभाव की जय हो। अंतर ही अंतर ज्ञान शक्ति को जगाओ आत्मा, अंतर आत्म ज्योति का विस्तार करो आत्मा, विस्तार। अंतर आत्म शक्ति का बोध, ये अंतर आत्म शक्ति का जो बोध है आत्मा, ये बोध गहरी मूर्छा से निकाल के लाएगा। तुम्हें आज विचार असत्य नहीं लगते, प्रतीति में छट लगे से अंतर आत्म ज्योति जो जोयो ज्ञान विज्ञान, अंतर ध्यान शक्ति का अंतर में बोध जगा।
अंतर्ज्ञायक स्वभाव ज्ञान में साधना, अंतरोन्मुख दशा आह चिदानंद घन चेतन्त्र अक्त काली भगवान आत्मा। अंतर ध्यान ज्योति आह जय। अंतर ज्ञान शक्ति का जागरण चेतन, अंतर ज्ञान शक्ति अंतर आत्मबोधि, अंतर आत्मबोधि जिस भव्य को आत्मा का ही बोध रहेगा, बोध 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 बोध, वह भव्य आत्मा कभी संसार की यात्रा में ज्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं है। अंतर ज्ञान शक्ति से जुड़ के अंतर आत्मबोध को जगा के इस संसार की यात्रा से विमुक्त होना है चेतन। अंतर आत्मबोध ओहो चिदानंद 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 सुई समय सी अर्क उत्पन्न जयवंत। यदि एकाग्रता स्थिर हो रही है, आत्मा सिद्ध स्वभाव सिद्धि की संपदा में विलास कर रहा है, तो सिद्ध स्वभाव को भी आप यहां सिद्धत्व सिद्धत्व को स्वीकार करने रहो। अंतर आत्म शक्ति को जागरण करने का अंतर से भाव तो होगा, अंतर आत्म ज्योति प्रकाश ओहो आत्मन। अंतर ध्यान शक्ति अंतर आत्मबोध की शक्ति आत्मा। अंतर आत्म ज्ञान की गंगा आहा स्वयमेव सुई समय सी आहो हो। अब तो प्रकाश को किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, अब तो सुई सुई समय से अर्क उत्पन्न हो जाने से अब तो शुद्धात्म स्वभाव मात्र शुद्धात्म स्वभाव सहज हो गया है, सहज उपलब्ध हो गया है। अब तो ये सहज उपलब्ध अपने ज्ञानानंद स्वभाव ही अपने को ज्ञान और आनंद के अमृत रस में डुबाता है चेतन। बस ज्ञान और आनंद के अभूतपूर्व अमृत रस में अपने कंठ कमल आसन पर स्थिर ये अपनी विज्ञान घन चेतना ये अपने ध्रुव वितराग भाव को प्रफुल्लित करती है। चलो आज का क्रम ध्यान में शक्ति की ज्योति यही पूर्ण होती है। यह आत्मन कि तुम्हें इसे सुई समय सी अर्क का प्रकाश जगमगाया है नहीं, तुम्हारे कंठ कमल आसन पे ये मुख कमल पे ऐसी अनंत प्रकाशवान ज्योतियां जगमगा रही हैं, ऐसी जगमगाती हुई ज्योतियों का ध्यान धारण करो आत्मा। धारण करने योग्य है अपना ध्रुव स्वभाव, धारण करने योग्य है अपनी ज्ञायक चेतना, ऐसे ध्रुव को धारण करो आत्मा। ऐसे ध्रुव स्वभाव के ध्यान को धारण करो।
और इन परिणामों की मूर्छा से छूट के सुई समय सी अर्क शुद्धात्म समय में आचरण करते हुए अपने अंतर आत्म स्वरूप में थोड़े तन्मय रहो चेतन। अनंत अनंत स्वभाव, अनंत अनंत स्वभाव, अंतर ज्ञान शक्ति। आहा, जय हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। अंतर ज्ञान शक्ति चतुष्टय स्वभाव, आनंद आनंद आनंद, चेतन आनंद ही रूप है। अंतर ज्ञान शक्ति का आचरण लेके, आश्रय लेके अपनी आकड़ी ले लो, अंतर की उपयोग आकड़ी ले ले कि अब मेरा तो एक ही कार्य है, एक ही आहार है मेरा, ज्ञान आहार शुद्ध, शुद्ध ज्ञान का आहार। तो आत्मा इसी समय संसार के विघ्न उपद्रव बाधाएं अज्ञान मोह मन की मूर्छा सारे परिणाम इसी पल गल जाए, इसी क्षण गल जाए। एक लक्ष्य बना के देख शुद्धात्म स्वभाव का, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्त्वम्। एकमात्र लक्ष्य बना के देख अपने वीतराग चतुष्टय स्वभाव का, अर्कमान प्रकाशित होता हुआ इस समय का अर्थ बना के देख, अर्क बना के देख, अर्क एक एक शब्द एक एक गुणों की माला गूंथ के बनाई है। अंतरात्म ज्योति, जय हो। मैं आत्मा स्वयं रमणी पदार्थ सुई समय से अर्क परमात्मा हूं। अंतर ज्ञान, देखो 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 चेतन आत्मा, ध्यान का समय पूर्ण हुआ। अब अपने अवलंबन से आप अपनी रुचि अनुसार अपने ही ध्यान में ध्याता, अपने ही ध्येय में लक्ष्यीभूत, अपने ही ज्ञान में एकाग्रचित्त होके जैसे बने वैसे अंतर आत्म स्वभाव की महिमा का जागरण करना चेतन। अपने ध्रुप्त काली में एकाग्र होना और अपने अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव के अनंत अनंत प्रकाशमान स्वभाव के अनंत तेज पिंड में अपने आप को स्वयं प्रकाशित होता हुआ जानना चेतन। आत्मा अनंत चतुष्टय वंत है। चलो अब स्वावलंबन से सुई समय सी अर्क की अनंत ज्योति प्रकाशवान इस मुख कमल पे देखो, ऐसी अनंत शोभा ध्रुव परिणति आत्मता। और अपने मंत्र महामंत्र उच्चारण के माध्यम से इन्हीं अर्कों का रस पियो आत्मा, आत्म ध्यान की ज्योति का रस पियो। अंतर आत्म ज्योति जगमगा रही है चेतन आत्मा, इस जगमगाती हुई ज्योति को देखो। अंतर ध्यान देखो, अंतर ध्यान,
अंतर ध्यान अंतर ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः वंशिद्धि नमो नमः वंशिद्धि नमो नमः वंशिद्धि नमो नमः ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः ओम नमः वंशिद्धि नमो बस यही ओम नमः वंशित नमो नमः इसकी ही ध्वनि में अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश है। ओम नमः वंशित नमो नमः। अब अपने ही आश्रय से इस मंत्र में अपने आप को मंत्रित देखो आत्मा। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः।